इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूँ। आप इस फुटेज में देखेंगे कि कैसे कुछ लोग आते हैं डंडा लेके और लोगों को मारना चालू कर देते हैं और महिलाओं को भी चोट लगती है, गाड़ियां भी फोड़ देते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते। आपने देखा होगा कैसे 6-7 लोग आए और लाठी वाठी पूरे लेके आए और मारना पीटना चालू कर दिया। बाद में एक लड़का बंदूक लेके भी आता है, फायरिंग भी करता है और उसमें एक लड़के की उंगली कट भी जाती है और बहुत चोट आती है और टाके वाके लगे हैं बाद में उसको और पूरा इलाज चला है। और एक महिला को भी चोट लग गई, वो भागी उसके बाद ही। और कैसे बाद में खड़ा हुआ एक आदमी उसको भी मारते हैं लोग। तो आप इन लोगों के खिलाफ FIR तो हो चुकी है। ये रही उस FIR की कॉपी, ये पहला पेज है, इस पर सारी धाराएं हैं, टोटल 10 धाराएं लगी हैं और किसने FIR की है उसका भी नाम लिखा हुआ है नीचे। चुनाव आने वाले हैं और योगी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर उनकी कही हुई बातें जो बिल्कुल उन्होंने शुरुआत में कही थी, लोगों ने कह दिया है सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधी लुटेरे ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। ऐसी चीजों के बारे में वो अभी तक सुधरी नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस खुद बिना सोचे समझे किसी को गोली मार देती है। गोमती नगर की घटना की बात कर रहा हूँ मैं, आम गुंडे क्या सोचेंगे, उनका तो काम ही नहीं है। चुनाव आने वाला है और योगी सरकार को सोचना चाहिए कि अभी अगर हालत सही नहीं है, अगर वो अपने किए हुए वादों पे खड़ा नहीं उतरते तो उन्हें आगे क्या सोच के वोट दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।